हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल इनकी नंबर चिकन बिरयानी से अद्कान इनक्रीडियंटा ना इंतरें पकड़े वजह इैस पता वो और अड़ कन पात्र ना वो कुकें अपून नो इले रे स्पून आयिलो ऊतिकपे नम्बर वजचरकूर अईसि ईटम्स अदावत पट लवंगम अम ना फ्रै पड़पे ये ब्रिंजी इले उना अंत ब्रिंजी इलेकल बट ब्रिंजी इले ना वासम कोल ना अल इला पुरीज नम्बर आनियन आड पड़ा आनियन एपड़ी वतंगण अब ना रोम ना नम्बर वतकमो अंदर प्रयाणी की टेस्ट कुछ अब इतनी ना पटर अंत पट लवंग अभी वंगय से अमेल वो रोम नल्ला रोम वासम इंगय कणाड़ी पदों वह वाक ना वतकन इतनी अब ना ओर और स्टेज ना वतंग्रे मेरी इन टू सेकंड्स वतकल इटेज नाम पड़नों अब इंजी पूंड अरे वो कड़ेल वांगादी ऐसा कुछ विनीगर आड पड़वा अब उड़म्क रोम कल नम्ब वीटल अरेक बेस्ट इटेज ओर ना वतंगन मारे इं अरे वचर अंजी पूंड विड़कल इत इंजी पूंड विड़ नम्ब आड पड़पर इतनी अंत वंगयतोड़ से इंजी पूंड वासम वासम इला अंत पचवास पड़ वो नंब ना वतकन ना सुनमारी नम्बर एंव वतको अंदर टेस्ट तर इन पच मिग आड पड़ी के पड़िया नरक वजह तक आड पड़े इोल ना मिक्स पड़पर बाय वित् प्रयाणियों सीक्रेटा मसाल रोम नेर वतकवा अतक प्रयाणी टेस्ट वर्दा सो इतना अंत सीक्रेट नम्बर एंव के वतकमो अंदर ना स्मेल वो इंब मंज तू आड पड़ी के मंज तूल और स्पून पड़ला ऐं मंज तू आड पड़ रहा अब इतना कृमि नाशनिया पैनपड़ नम्बर नॉनवेज नम्बर नॉनवेज ईटम एल मंज तू आड पड़ो मेडिसिनल वैल्यू इे चिकन ना अरे को वचर ऐना प्रयाणी के लिए चिकन ना चिकने वो ना उप मंज तूल ना कल अलसी वचर अम्ब आड पड़ा इत मसाल अंत चिकन ना पड़े अल्प ना कोट पड़ी के पो नम्बर अंत चिकने वो फ्रै पड़ोमो अंदर अंत मसाल कोट आगे अब प्रयाणी प्रयाणी सापो चिकन स्पाइसियान अरोमा स्मेल ना इी टेस्टा चिकन इलेना मणु मारी ना ना एंल ना कोट पड़ोमो अंदर ना कोट पड़ी विड़ ना कोट पड़े ना वन ग्लास रईस एड़कें अदारे वन ग्लास ती ऊपर ऐना ना यूस पड़पो बासमति रईस इटेज ना वो तनि मिगा तू काश्मीर चिल्ली पउडर आड पड़ी के इत रे स्पून आड पड़ी के आलरे वो नम्ब पच मिग आड पड़ो सोारे चिल्ली पउडर आड पड़को इन एक्स्ट्रा वेन आड पड़को प्रयाणीन कार सारूंग सर इलूप कुछ आड पड़ेवान अल्व नहीं साल आड पड़ेल बट रॉक साल यूस पड़े रोम नल्बुक इतनी मिक्सचरला ओर ना कुछ वरण
நல்ல வாசனை வருது. இந்த டைமில் நம்ம 2 ஸ்பூன் கர்ட், அதை கட்டியான தயிராக இருக்கணுங்க. ரொம்பவும் புளிப்பாக இருக்கக்கூடாது. கடையில் வாங்குகிற ஹாட்சன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா ஓரளவு நல்லா கட்டியாக இருக்கும். 2 ஸ்பூன் தயிரை நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கலந்து விடுங்க. நல்ல செம வாசுங்க, நல்ல வாசனையாக இருக்குது. இது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் இது நல்லா கொதிச்சதுன்னா ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும். அந்த சிக்கன்லாம் அந்த மசாலா சாறு இறங்கி சிக்கனும் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி உதிரி உதிரியான பிரியாணி நம்மளுக்கு.